गाजियाबाद पुलिस ने लूट एवं वाहन चोरी करने वाले चार शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी प्रथम के नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब पुलिस पार्टी दिनांक 6 फरवरी 2020 को सम्राट चौक एवं टी पॉइंट NH 24 राजू होटल के सामने चेकिंग कर रही थी। तभी सम्राट चौक के पास रोड से समय करीब 5 बजे दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई और दो शातिर अंतरराज्यीय वाहन चोरों को टी पॉइंट राजू होटल के सामने NH 24 से दो लूट करने वाले शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मौजूदा द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है अपराधियों के खिलाफ, उसी अभियान के तहत विजयनगर पुलिस को 6 तारीख को आज दो महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। पहला NH पर राजू होटल के पास, NH 24 पर राजू होटल के पास चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों को पकड़ा गया। इनसे दोनों से ही चोरी के दो वाहन बरामद हुए, नाजायज इसला जिसमें तमंचा कारतूस और चाकू भी है बरामद हुए। जब पूछताछ की गई तो इनसे अन्य चार और वाहन चोरी के दो पहिया वाहन बरामद हुए। ये दोनों ही छात्र चोर हैं, लूट करते हैं, चोरी करते हैं और इनके दोनों के खिलाफ करीब 6 मुकदमे हैं अभी तक ज्ञात हुए, अन्य पूछताछ की जा रही है। इनमें से एक का नाम मोहित है, दूसरा बाबू है। मोहित छोलस थाना जारचा जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जबकि बाबू थाना सिकंदराबाद यसूपुर का जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। चैन स्नेचर पुलिस द्वारा सुबह गिरफ्तार किए गए हैं। मोबाइल और पर्स स्नेचर है बेसिकली ये। इन लोगों को आज सुबह पुलिस ने विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर विभिन्न कंपनियों के पुलिस ने 6 मोबाइल बरामद किए हैं। इनसे एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। ये शातिर लुटेरे हैं जो राह चलते महिलाओं और आदमियों से मोबाइल और पर्स वगैरह छीनते थे। इनका नाम सलमान और दानिश है। दोनों पर ही अच्छे खासे मुकदमे हैं। ये नोएडा और गाजियाबाद में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल 6 मुकदमे पता लगे हैं और 15 मुकदमे सलमान पर पूर्व में भी 15 दिन।